महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में से किसे सत्ता की चाबी मिलेगी। लेकिन ऐसे में यहां सवाल ये कि महायुति और अघाड़ी में सीएम कौन, दोनों गुट रिजल्ट तक रहेंगे मौन, ये एक बड़ा सवाल। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश भी ये करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या 23 को होगा खेला, कौन साथ कौन रहेगा अकेला। चर्चा के लिए मेरे सहयोगी और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शो की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले सुनेंगे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर किस तरह की राजनीतिक बयान सामने आए। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। महाराष्ट्र में कौन सा नेता कब किस पार्टी में चला जाएगा, कौन सा पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में चला जाएगा, आया राम गया राम, कांग्रेसी भाजपा ही हो जा रहा है, भाजपा ही कांग्रेस ही बन जा रहा है। जो कल तक भाजपा ही थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले आए। चीज़ें नतीजे के बाद कुछ भी हो सकती है लेकिन अजीत पवार उसमें एक की रोल अदा करेंगे, हमें विश्वास है। तू मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तू अभी तुम्हारे खाब चुपना शुरू होने वाले देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे शिंडे में 12 का आंकड़ा चल रहा है, तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में तुम्हें की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। पहले हमारे को सरकार लाना हमारा दायित्व है और फिर उसके बाद हमारे हाईकमांड उसमें डिसीजन लेंगे। विनोद, मैं पहले आपके पास ही आ रही हूँ। आज जब क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव होना है महाराष्ट्र में और 9 दिन पहले अगर हम आज बात करें तो यहां महायुति और महाविकास अघाड़ी रेवड़ी के शोर में, मुद्दों के जोर में कौन कहां खड़ा दिख रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, मैं आज आपको पूजा सबसे पहले एक इश्तिहार दिखाना चाहता हूं। एक ये मुंबई का अखबार है, एक है तो सेफ है, और ये एक में है ना कई ऐसी पगड़ियां दिखाई गई है जो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या आदिवासी हो, उन समाज में ये पहनी जाती है। और ऐसे सारे जो इश्तिहार है महाराष्ट्र के तमाम वो छोटे बड़े अखबार में आज यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए पूजा, यहाँ पर एक बात ये ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है ना, प्रचार वो अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा यहाँ पर पहले चलाया गया लेकिन ये नारा यहाँ पर चला नहीं। इसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने एकाएक चुनाव न लड़ने का फैसला किया और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाता है और ये महाविकास आघाड़ी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। इसके बाद तुरंत ही पहली ही सभा में प्रदेश के प्रधानमंत्री ओबीसी को लेकर, ओबीसी की एकता को लेकर और ये जो एक है तो सेफ है इसको लेकर वो बात करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को अब ये डर सताने लगा है कि अगर ओबीसी यहाँ पर साथ में नहीं आता है तो नुकसान यहाँ पर जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी वहां पर मेरी बात सुन रहे होंगे, उन्हें इस बात को मंजूर नहीं होगी उनकी ये बात, लेकिन महाराष्ट्र की जमीन की लड़ाई कुछ अलग है। अब तक देखिए मेरे करियर में मैंने ये 5वां विधानसभा चुनाव में कवर कर रहा हूँ, सबसे पहले 2004 से अब तक लेकर मैं हर चुनाव कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस बार की महाराष्ट्र की विधानसभा का जो चुनाव है ना वो अपने आप में काफी ये कह सकते उत्साहित है या फिर कह सकते हैं कि इतना रोमांचक चुनाव अब तक यहाँ पर कभी नहीं हुआ है। 6 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन हैं और लगातार आरोप दर आरोप चल रहा है, रेवड़ियां बांटी जा रही है, हर एक को मुख्यमंत्री बनना है। पहले की सभा में अमित शाह और मोदी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का सपना पूरा करना है, उन्हें जिताना है, आपके सपनों का एयरपोर्ट हम बनाएंगे। कल ही अमित शाह कहने लगे कि अब मुख्यमंत्री पद को लेकर हम तीनों बैठेंगे और इसके बाद हम उस पर फैसला लेंगे, हम पवार को कोई मौका नहीं देंगे, यानी शरद पवार को। देखिए अब फडणवीस को भी यहाँ पर खतरा जरूर है क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो इतिहास को हम टटोले तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने पूरी सरकार लाकर परोस दी, यहाँ पर राजस्थान हो या फिर कई और अन्य राज्य हो, लेकिन उसके बाद उस मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया। तो दिल्ली की राजनीति में भी कुछ सीटें जरूर खाली है, तो ऐसे में 2 साल से लगातार चर्चा चल रही कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया तो यहाँ पर
भले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना बन सकता है, लेकिन कौन बनेगा इसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। दूसरे, एकनाथ शिंदे खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी ने दावा ठोक दिया। कई एकनाथ शिंदे के जो प्रवक्ता है, नेता है, विधायक है, उनके मन में भी अब चल विचल होना शुरू हो चुका है। तीसरी तरफ देखिए नवाब मलिक क्या बात कर रहे हैं। नवाब मलिक कह रहे हैं कि दो बार वो लगातार कह चुके कि अजीत पवार की भूमिका अहम रहेगी, अजीत पवार किंग मेकर साबित होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या भरोसा अजीत पवार ही उठकर कल महाविकास आघाड़ी के पास ना चले जाए, क्योंकि भाई ले लो चाचा मुझसे गलती हो गई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब चलिए आपके साथ मैं जुड़ने को तैयार हूँ। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पूरी बदल चुकी है। शिवसेना बीजेपी को मैंडेट मिला था, लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। ढाई साल बाद सरकार गिरा दी, सरकार गिरा दी, उसके बाद दो दो पार्टियों की सरकार अच्छी चल रही थी, एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की। लेकिन एकाएक अजीत पवार की एंट्री होती है, वो अजीत पवार जिन्हें 70,000 करोड़ के घोटाले को लेकर खुले मन से पीएम बोल रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे या देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर वहां पर शामिल कर दिया गया है। तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति है ना, कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो प्रचार अब अलग अलग दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस प्रचार का फायदा कांग्रेस गठबंधन को और महाविकास आघाड़ी को मिलता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर लाल डायरी वो दिखाकर वो कहा कि वो कोरी है और संविधान की बात की, एक नया मुद्दा अब कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी को लगा था कि इस बार हम संविधान के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो लोकसभा में उठा चुके हैं और इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन अब सामने से कांग्रेस को मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का। तो दलित हो, आदिवासी हो और अल्पसंख्यक समाज हो, इनको एक साथ जोड़ने का पूरा प्रयास अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कल भी मेरे डिबेट में ये बात कह रहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, नागपुर में धान उत्पादक किसान, जो सोयाबीन उत्पादन करने वाले किसान और कपास उत्पादन करने वाले किसान अभी भी नाराज चल रहे हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और ये नुकसान इस सरकार को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि प्याज उत्पादक किसानों ने उत्तर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठबंधन को बड़ा झटका दिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर तमाम फैक्ट्स रखे हैं, और इन्हीं फैक्ट्स के बीच में